नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन सा एक ऐसा चिन्ह है जो जीवन में आपको एक बार नहीं कई बार ज्यादा ज्यादा धन और अधिक मात्रा में देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले उद्गम के बारे में बताती है, हमारे घटनाक्रम के बारे में बताती है। अगर जीवन का देखें मकसद, अगर जीवन की परछाई देखें तो हमारे जीवन के साथ जो घटनाएं घटती है, अगर शादी से लेके मकान का सुख, शादी का सुख, आने वाले जितने भी अवसर होते हैं, जीवन के सारे हमारी वो जीवन रेखा पे ही मिलती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। हम कोई चीज कितने गहराइयों में सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, एक हमारे स्वभाव के बारे में बताती है, एक हमारे प्रेम संबंध के बारे में बताती है कि हमें एक दूसरे के साथ कितना अटैचमेंट है। तो आज मैंने बात की है कि अधिक धन कौन सा वो चिन्ह है जो बार बार जीवन में दिलाता है। और हस्त रेखा में देखें तो पर्वतों के गुण भी मौजूद होने चाहिए, जैसे कि ये बुद्ध का माउंट है, बुद्ध का पर्वत सामान्य उठा होना चाहिए। और इसी प्रकार से ये गुरु का, माउंट उठा होना चाहिए। और इसी प्रकार से ये शुक्र का, ये माउंट उठा होना चाहिए। और ये चंद्र का, ये माउंट उठा है तो आप समझ लें कि जीवन में ऐसे लोग शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं। ऐसे लोग बात करने में निडर होते हैं, अपने बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं अगर गुरु की बात करते हैं। ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ की तरफ भागते हैं और धन की अधिक आकांक्षा रखते हैं। ऐसे लोग मन के बड़े पक्के होते हैं, निश्चय अटल होता है इनका। तो सबसे पहले कहते हैं कि अगर हम अधिक धन की बात करते हैं, अधिक मात्रा में बात करते हैं, तो वो आपके हस्तरेखा में देखें तो राहु का क्षेत्र, ये राहु का क्षेत्र है। राहु यहां पे बड़े स्पीडली, बहुत तेजी से हर काम को करता है। अगर अच्छी अवस्था में है तो देखिए आप, ऐसे लोग कई राजनेता होते हैं और अचानक से गेन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ऐसे लोग देखें तो हवाई यात्रा, विदेश की यात्रा, और ऐसे लोगों को कई बार गड़ा हुआ धन भी मिल जाता है। और कई लोगों को ऐसे जीवन में अचानक से गेन उठते हुए देखा होगा आपने। और यहां पर वो साइन क्या है, यहां पर स्टार बन जाए, स्टार तीन रेखाओं से कटना होना चाहिए, तभी वो स्टार फुल माना जाएगा और वो तभी लाइफ में गेन देगा। एक चीज आपने सुना होगा और देखा भी होगा, कई लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति होते हुए देखा। कई बार उनको लॉटरी सट्टे से गेन मिल जाता है। कई बार देखिए नीचे स्तर से होके पॉलिटिकल के क्षेत्र में जाते हैं और ऐसे लोग अधिक पावरफुल हो जाते हैं और वहां पर भी अधिक मात्रा में धन कमाते हैं। अगर राहु को कहें तो राहु एक मास्टरमाइंड है। इसको हर एक्टिविटी को कहां पर कैसे घुमाना है, इसके हाथ में तलवार, ये डरता भी नहीं है राहु। जब देने पे आता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब लेने पे आता है तो चमड़ी उधेड़ के भी लेता है। राहु की स्थिति मजबूत होने पर जीवन में आपको ऊंचाइयों पर उठा देता है। लेकिन ये राहु
के क्षेत्र में स्टार बनता है तो एक बार नहीं, 5 से 7 बार जीवन में अधिक धन की मात्रा अवश्य दिला देता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।